पहली स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाओ, उस पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक किए तो देखो ऑप्शन आया ना। इस ऑप्शन में देखो पहला जो ऑप्शन व्यू वाला है, व्यू वाले में देखो, व्यू में जैसे ही रखोगे तो एक और लिस्ट खुल जाएगी बगल में। उस लिस्ट में आपको देखो सबसे ऊपर लार्ज आइकन लिखा हुआ है, फिर मीडियम आइकन लिखा हुआ है, फिर स्मॉल आइकन लिखा हुआ है। अब अभी क्या है, हमारे में मीडियम आइकन पे डॉट बना हुआ है, आपके में किस में है? मीडियम। मतलब अभी जो डेस्कटॉप पे जो आइकन दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं, वो मीडियम आकार में है। लार्ज करोगे तो बड़े हो जाएंगे और स्मॉल करोगे तो छोटे हो जाएंगे। करके देख लो आप इसको। मैं देखो इस लार्ज कर रहा हूँ, ये बड़े हो गए, वापस से मैं इसको मीडियम कर दिया, छोटे हो गए। ठीक है, अब इनको हम जमा सकते हैं। अगर मान लो बिगड़ गई सेटिंग तो इनको हम वापस से जमा सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं इस तरह से पकड़ के सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये सब। ठीक, वापस से फिर हम वही क्लिक करेंगे, फिर व्यू पे गए, व्यू पे देखो ये तो तीनों चीजें हम पता कर लिए कि स्मॉल आइकन से क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर ऑटो अरेंज आइकन, ऑटो अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जम जाएंगे अपने आप। ठीक है, अलाइन आइकन टू ग्राइड, यदि ग्राइड लाइन के हिसाब से अलाइन करना चाहते हैं तो उस पर टिक है अभी। ठीक है, उसके हिसाब से अलाइन करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक है। ठीक है, टिक लगा हुआ है, अगर टिक हटा दोगे तो पूरे आइकन गायब हो जाएंगे। टिक हटा दोगे तो पूरे आइकन गायब हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये गायब हो गए। अब ऐसा कर दोगे तो लोग सस्पेंस में पड़ जाएंगे, आइकन ही ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गया, जिसको नहीं मालूम होगा। अब वापस से लाने के लिए वही प्रोसेस करोगे, क्लिक करके आप उसको शो डेस्कटॉप आइकन कर दोगे, वापस आ गया। फिर से हम गए व्यू पे, अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा है शो डेस्कटॉप गजेट, इससे डेस्कटॉप पे रखने वाले गजेट आ जाएंगे, जैसे कि आपकी घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गया। अपडेट नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है इसलिए। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है इसमें। चलो इसके बाद देखो सॉर्ट बाई आ गया, सॉर्ट बाई दूसरे नंबर पे व्यू के नीचे। इसमें देखो नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई लिखा हुआ है। मतलब इसमें कोई भी चीज आप यूज करोगे ना तो उसके हिसाब से आपके आइकन अरेंज हो जाएंगे। यदि नाम के हिसाब से करोगे तो पहले ए नाम वाले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, ऐसे वो डेस्कटॉप के आइकन जम जाएंगे। ठीक है, साइज के हिसाब से करोगे तो साइज के हिसाब से होगा, आइटम के टाइप के हिसाब से करोगे तो टाइप के हिसाब से हो जाएगा, और मॉडिफाइड डेट के हिसाब से करोगे तो देखो जो ज़्यादा यूज हो रहा ना वो पहले रहेगा, डेट के हिसाब से मतलब मॉडिफाइड हो जाएंगे। ठीक, कोई चीज़ अगर कॉपी किए होगे तो पेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है जो कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब लाइट कलर में है, लेकिन अगर कोई चीज़ कॉपी कर लिए हो तो पेस्ट आपका डार्क हो जाएगा, जैसे बाकी की चीजें डार्क हैं। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश का जो ऑप्शन मिलता है बार बार, हम इस रिफ्रेश कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहिए, तो हम यहां पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं बार बार। ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज वगैरह अगर देखना है तो आप इसमें जा सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसको नहीं दूंगा सजेशन इस पे जाने के लिए। ग्राफिक के जो ऑप्शन है उस पे भी आप जा सकते हो, उससे जुड़ी सेटिंग आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पैनल फेट, हॉट की वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी अपने काम का नहीं है। मैन ये न्यू वाला देख लीजिए, न्यू आपके काम का है, डेस्कटॉप पे कोई भी नई फाइल बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, और न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो एक लिस्ट और खुल जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर आया फोल्डर, अगर फोल्डर पे क्लिक कर दोगे तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना सकते हो क्लिक करके। शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट पे क्लिक करोगे। अगर कोई नई फाइल बनाना है
तो देखो इतनी सारी फाइलें आप बना सकते हो नीचे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस की फाइल बना सकते हो, बिट मैप इमेज की बना सकते हो, कॉन्टेक्ट बना सकते हो, वर्ड एमएस वर्ड जिसमें टाइपिंग कर रहा हो उसकी बना सकते हो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर, पावर पॉइंट की बना सकते हो, फोटोशॉप इमेज की बना सकते हो। तो जितनी फाइलें इसमें दी गई हैं सब यहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो और खोल करके उसमें टाइपिंग वगैरह जो भी है कर सकते हो।